हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के वीडियो को लेके आए हैं। इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण एक दूसरे के अनुपूरक स्रोत के रूप में पहली बार किस काल के संदर्भ में उपलब्ध होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य काल। आगे है, मौर्य पूर्व काल के लिए किस स्रोत से हमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा पुराण। आगे है, प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार की रचना हुई? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में। आगे है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को आधार बनाकर रचित जातकों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 549। आगे है, जैन के धार्मिक ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 12 अंग। आगे है, 12वीं सदी में रचित परिशिष्ट पूर्व के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। आगे बढ़ते हैं, आगे भारतीय साहित्य में पहली बार किस ग्रंथ में ऐतिहासिकता की संपूर्ण झलक मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। आगे है, रत्नावली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा हर्ष। आगे है, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। आगे, भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे है, प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पाठित अभिलेख हैं? इसका आंसर हो जाएगा अशोक के अभिलेख। आगे है, प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किन शासकों ने जारी किए? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासकों के संबंध में जानकारी के लिए हमें किस एकमात्र स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्के। आगे है, प्रसिद्ध देवगढ़ के मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। आगे है, सांची और भरूत के स्तूपों का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। आगे है, पश्चिम की उत्तर पश्चिम सीमांत की जातियों तथा भारत ईरान संबंधों की जानकारी किस यूनानी ग्रंथ से प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोरिका। आगे है, भारत आने वाला पहला ज्ञात चीनी यात्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा फाहियान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। आगे है, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत को किस नाम से प्रकाशित करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा तातांगसी युकी। आगे है, तहकीके हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। आगे, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। आगे है, जखीरत उल मलूक तथा सहायक नामक प्रसिद्ध ग्रंथों से किनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा सूफी संत। आगे है, मध्यकालीन भारत के सौंदर्य प्रसाधन एवं पकवानों के निर्माण के संबंध में किस ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा किताब ए नियामत खाना ए नासिर शाही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फिक ए फिरोज शाही में किस विषय का संकलन है? इसका आंसर हो जाएगा नागरिक एवं धार्मिक कानून। आगे है, 1294 ईस्वी में दक्षिण में विजयनगर की यात्रा किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी। आगे है, रूसी यात्री एथनीसियस निकितन ने किस वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा की थी? इसका आंसर हो जाएगा 1470। आगे है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। आगे, इब्न बतूता की यात्रा वृतांत प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा रिहिला। आगे, टेसियस राज्य वैध था? इसका आंसर हो जाएगा ईरान। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की जिसमें भारत और किस देश के संबंधों का वर्णन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फारस। आगे, निरियाकस आने सिक्रिटस और
अरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक समकालीन थे। इसका आंसर हो जाएगा ये सिकंदर के समकालीन थे। आगे सिकंदर के बाद के लेखकों में तीन राजदूतों मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायनोसियस के नाम उल्लेखनीय हैं, जो यूनानी शासकों द्वारा भेजे गए थे। इसका आंसर हो जाएगा मौर्य दरबार में। आगे है कौन जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किया। उसके द्वारा रचित इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत जो बिंदुसार के दरबार में काफी दिन तक रहा। इसका आंसर हो जाएगा डायमेकस। आगे है टॉलमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी नामक पुस्तक लिखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा में। आगे है पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, जिसकी रचना हुई थी 80 से 115 ईस्वी के बीच में, का वर्णन मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का। आगे है हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक व्यापार की जानकारी मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा में लिखी हुई नेचुरल हिस्टोरिका से। अगला है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था, जिसने तात्कालीन सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। इसका आंसर हो जाएगा फाहियान, 5वीं सदी के प्रारंभ में। आगे है हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग, 7वीं सदी में। आगे ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। तो ये बुक हो जाएगा सीयूकी के नाम से। आगे है फाहियान एवं ह्वेनसांग दोनों बौद्ध थे, और बौद्ध तीर्था का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान भारत में कब तक रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक। आगे है दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका आंसर हो जाएगा टॉलमी। आगे है मार्को पोलो यात्रा पर आया था। इसका आंसर हो जाएगा पांडे देश। आगे है ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इसका आंसर हो जाएगा आचार्य सीलभद्र। आगे अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। दोस्तों, इस सेशन यही समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इस सेशन कैसा लगा।